हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश बानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4, दैट इज एडवांस वायरलेस स्टैंडर्ड्स, एंड द टॉपिक नंबर 4.1, दैट इज WCDMA। नाउ लर्निंग आउटकम्स, सो यू विल एबल टू लर्न अबाउट 3G WCDMA, दैट इज UMTS। Then you will able to learn about the objectives of WCDMA. Also, you will able to learn about important features of UMTS. And finally, you will able to learn about UMTS releases and standards. So WCDMA or UMTS. So the WCDMA is based on the network fundamentals of GSM. So WCDMA ye kya hai? ये GSM का जस्ट फंडामेंटल नेटवर्क है। आउट ऑफ मेनी 3G टेक्नोलॉजीज, द WCDMA एंड CDMA 2000 आर द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम्स। Now 3G WCDMA, that is UMTS. So WCDMA stands for wideband CDMA. W stands for wideband. UMTS means Universal Mobile Telecommunication System. UMTS or WCDMA is designed to have a backward compatibility with the second generation systems such as GSM, IS-136 and PDC-TDMA technologies as well as 2.5G TDMA systems. तो ये जो UMTS और WCDMA जो system है ये design की है, that is जो second generation systems था उसके compatible में इसको design किया हुआ है. So WCDMA retains the network structure and bit level packaging of GSM data and adds capacity and bandwidth to it with the use of the new CDMA air interface. तो ये जो WCDMA है इसमें क्या होता है, जो CDMA था, CDMA air interface, उसका use करके WCDMA में ये structure बनाया हुआ है जिसमें packaging of GSM data भी है और capacity and bandwidth add की है with the use of new CDMA air interface. Then 3G WCDMA will allow the computers, entertainment devices and mobile telephones to connect themselves to simultaneously share the wireless network. तो 3G WCDMA क्या allow करता है, computers, then entertainment devices and mobile telephones, ये जो connection होता है इसका, ये simultaneously इसमें से अपन data share कर सकते हैं. Then due to the always on service, they can be connected to the internet anytime and anywhere. अब इसकी जो service होती है on service होती है हमेशा, तो ये connected होता है internet से, तो internet से connected anytime and anywhere ये connect होता है. Then the packet data rates up to 2.048 megabytes per second per user for a stationary user are being supported by WCDMA. अब इसका WCDMA 3G इसका जो packet data rate है ये कहाँ तक है, 2.048 megabits
पर सेकंड पर यूज़र ये रेट से इसका फॉर स्टेशनरी यूज़र के लिए। तो ये सपोर्ट किससे होता है? डब्ल्यू सी डी एम ए से। देन दिस अलाउज यूजर टू गेट अ हाई क्वालिटी डाटा, मल्टीमीडिया, स्ट्रीमिंग ऑडियो, स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेट। अब ये 3G डब्ल्यू सी डी एम ए जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है? ये अलाउ करता है यूज़र को टू गेट हाई क्वालिटी डाटा के लिए अलाउ करता है। देन मल्टीमीडिया में इसका यूज़ होता है, स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए भी इसका यूज़ होता है, स्ट्रीमिंग वीडियो और ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ सर्विसेज जो है फ्रॉम द इंटरनेट इसमें भी इसका यूज़ होता है। देन डब्ल्यू सी डी एम ए इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क फीचर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल होम इंटरटेनमेंट, दैट इज़ डब्ल्यू एच ई। तो डब्ल्यू सी डी एम ए ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के फीचर्स को, या और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सपोर्ट करता है, वर्चुअल होम इंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं हम वी एच ई, इसमें भी डब्ल्यू सी डी एम ए का यूज़ होता है। देन विथ डब्ल्यू सी डी एम ए अ यूज़र कैन डू द ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कॉमर्स, गेम्स, इंटरैक्टिव वीडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग अ स्मॉल हैंडसेट। तो डब्ल्यू सी डी एम ए की जैसे एप्लीकेशंस बोलेंगे इसको हम, तो कहाँ पे होता है यूज़? ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है, मोबाइल कॉमर्स में यूज़ होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, इंटरैक्टिव वीडियो जो होता है, जो इंटरैक्टिव जो वीडियो अपन वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है उसमें यूज़ होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग स्मॉल हैंडसेट। जैसे हम मोबाइल से जूम पे या फिर ऑनलाइन इंटरेक्टिव करते हैं मोबाइल से, तो ये विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू सी डी एम ए से यूज़ होता है। द मिनिमम स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट ऑफ डब्ल्यू सी डी एम ए इज 5 MHz, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3G स्टैंडर्ड्स। अब जो दूसरे 3G स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे ये डिफरेंट है, तो इसका जो मिनिमम स्पेक्ट्रम रिक्वायरमेंट होता है डब्ल्यू सी डी एम ए का, ये होता है 5 MHz। विद सी डब्ल्यू सी डी एम ए इट इज़ पॉसिबल टू सपोर्ट द डाटा रेट्स फ्रॉम 8 KBPS टू 2 MBPS। अब ये डब्ल्यू सी डी एम ए का जो यूज़ होता है ये सपोर्ट डाटा रेट्स के लिए होता है, जो सपोर्ट करता है डाटा रेट्स को फ्रॉम 8 KBPS टू 2 MBps। ईच चैनल कैन कैरी 100 to 350 साइमल्टेनियस वॉइस कॉल्स एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसमें जो चैनल होता है तो हर एक चैनल कैरी करता है 100 से लेके 350 तक साइमल्टेनियस वॉइस कॉल्स एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यू सी डी एम ए।
और UMTS। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इफिशियंसी। इसकी जो स्पेक्ट्रम इफिशियंसी होती है ये हाई होती है। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इज द यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड दैट इज 1885 मेगाहर्ट्ज़ टू 2025 मेगाहर्ट्ज़। और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी बैंड होती है वो होती है 2110 मेगाहर्ट्ज़ टू 2200 मेगाहर्ट्ज़। तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं दो रेंज में। पहली रेंज क्या हुई 1885 मेगाहर्ट्ज़ टू 2025 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरी रेंज 2110 मेगाहर्ट्ज़ टू 2200 मेगाहर्ट्ज़। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव इज विद इन अ फ्रीक्वेंसी बैंड रेडियो रिसोर्स शुड बी फ्लेक्सिबल टू मेनी नेटवर्क एंड ट्रैफिक टाइप्स। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया है विद जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है तो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही जो रेडियो रिसोर्स होता है ये वेरी फ्लेक्सिबल होता है मेनी नेटवर्क्स एंड ट्रैफिक टाइप्स। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज रेडियो बियरर कैपेबिलिटी ऑफ अप टू 2 Mbps डाटा रेट्स। अब इसका जो रेडियो बियरर कैपेबिलिटी होता है वो अप टू 2 Mbps डाटा रेट्स तक होता है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WCDMA। देन अगेन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज UMTS यूजर नंबर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडर। देन सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एडिशन ऑफ न्यू सर्विसेज एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज। देन नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट सर्विसेज एंड यूजर डिवाइसेज। एंड फाइनली इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पीच एंड सर्विस। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए WCDMA और हम बोलेंगे UMTS। अभी फीचर्स देखेंगे फीचर्स ऑफ UMTS के इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अ वाइड बैंड DS CDMA सिस्टम। देन सेकंड इज बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी विद GSM। देन थर्ड इज पैकेट डाटा रेट ऑन डाउन लिंक इज 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है पैकेट डाटा रेट ऑन डाउन लिंक फ्रीक्वेंसीज क्या है 2.048 Mbps। देन मिनिमम फॉरवर्ड चैनल बैंडविड्थ इज 5 MHz। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर हो गया UMTS का ये मिनिमम फॉरवर्ड चैनल बैंडविड्थ कितना है 5 MHz। एंड फ्रेम स्ट्रक्चर इज ऑफ 16 स्लॉट्स पर फ्रेम। तो फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ UMTS का कितना हो गया 16 स्लॉट्स पर फ्रेम। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ UMTS। Then UMTS releases and standards. So there are the three UMTS releases. They are first is release 99 or R99, then release 4 and release 5. Now we will see one by one release 99 or R99. So R99 is the initial release of the UMTS on which it relies on. अब R99 ये फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट रिलीज हो गया इनिशियल रिलीज हो गया ऑफ UMTS का। न्यू रेडियो एसिस टेक्नोलॉजीज UTRA FDD एंड UTRA TDD आर डिस्क्राइब्ड बाय दिस रिलीज ऑफ द स्पेसिफिकेशन। देन विद इन 440 स्पेसिफिकेशंस GSM और GPRS नेटवर्क इज यूज्ड एज अ कोर। ड्यू टू दिस माइग्रेशन फ्रॉम GSM टू UMTS टेक्स प्लेस विच इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी
Then, in 1999, this release was finalized, hence the name R99. अब 1999 में ये रिलीज हुआ, इसीलिए इसको नाम मिला कैपिटल R99. देन रिलीज 2000 और R00 केम इनटू एक्जिस्टेंस आफ्टर R99. तो ये R99 के बाद अभी कौन सा आएगा? R00, दैट इज रिलीज 2000. बट 3GPP रियलाइज्ड इन सितंबर 2000 दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू फाइनलाइज द स्टैंडर्ड अप टू द एंड ईयर ऑफ 2000. So, as decided by 3GPP, R2000 is divided into two standards. तो R2000 के लिए क्या प्रॉब्लम आया था? पॉसिबल नहीं हुआ था, फाइनलाइज नहीं हुआ था अप टू द एंड ईयर ऑफ 2000. तो क्या डिसाइडेड किया फिर 3GPP कमिटी ने? कि R2000 को ही डिवाइड कर दिया टू स्टैंडर्ड में. तो अब वो कौन से दो स्टैंडर्ड है वो देखेंगे. सो फर्स्ट इज रिलीज 4, या फिर उसको बोलेंगे REL4. देन सेकंड इज रिलीज 5 और REL5. Now release 4. In the fixed network, release 4 initiates quality of service, several execution environments and new service architectures. TDSC DMA has a low chip rate option to ultra UTRA TDD was added, that is only 1.28 M chips residing only 1.6 MHz bandwidth due to the Chinese proposal. This release was frozen in March 2001, which already includes more than 500 specifications. Now release 5. Release 5 defines basically a different core network. The networks based on the GSM or GPRS will be replaced by all IP core. So there is no change in the radio interfaces. The high speed downlink packet SS with speed 8 to 10 megabits was added, and a wideband 16 kHz AMR code was also added for better audio quality. Now important features of UMTS standards. So features of release 99. So this is in December 99. So first feature is basic compatibility of UTRA, that is WCDMA FDD, जिसको बोलेंगे हम. Second feature is improved call control. Third feature is advanced QoS, that is quality of service for UMTS. Then fourth feature is UTRAN architecture. तो ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ रिलीज 99. देन फीचर्स ऑफ रिलीज 4, विच इज इन मार्च 2001. सो फर्स्ट फीचर इज कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ UTRA, दैट इज WCDMA FDD. देन UTRAN आर्किटेक्चर है इसका. देन इंट्रोड्यूसिंग 1.28 M चिप्स TDD मोड and location service. And in last features of release 5, that is in March 2002. So first is IMS, that is IP multimedia service subsystem. Then HSDPA, that is high speed data packet access. Then end-to-end quality of service and wideband AMR and finally security enhancement. तो ये हुए हमारे features of release 5 के. Now program outcomes. So PO1 is basic knowledge. तो आज के session में
जो टॉपिक्स हुए उसका बेसिक नॉलेज हमें मिला है इसका। तो PO1 इज मैपिंग, देन PO3 दैट इज एन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। तो इसका इस टॉपिक का एक्सपेरिमेंट्स जब परफॉर्म करते हैं तब इसका यूज होता है। तो PO3 इज मैप, देन PO8 इज आल्सो मैप विच इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, एंड PO10 इज आल्सो मैप विच इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो माई डियर स्टूडेंट्स, वी विल समराइज अवर लेक्चर। टूडे वी हैव लर्न अबाउट 3G WCDMA, दैट इज UMTS, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WCDMA देखे, देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ UMTS क्या है वो भी देखा हमने, देन फाइनली UMTS रिलीजेस और स्टैंडर्ड ये भी देखा और उनके फीचर्स भी देखे, फीचर्स ऑफ UMTS स्टैंडर्ड्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू एंजॉय द टूडेज सेशन। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3G WCDMA। थैंक यू।